हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इधर मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8 और मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुका है आप लोग के साथ। अब मैं ऐसा करते आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छे लगे। यहाँ मैं कर रही थी मॉर्निंग का काम, तो बहुत ही बारिश हो रहा था तो पत्ता सब बहुत गिर गया था, तो मैं लगा रही थी बाहर झाड़ू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स इस्कॉन वाली खिचड़ी जो बिना प्याज लहसुन का बनता है। तो मैंने सब्जी सारा ले लिया है। मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है और अरवा चावल। तो चावल और दाल आपको बराबर मात्रा में लेना है। उसके बाद मैं कर रही हूँ दाल को थोड़ा सा फ्राई 2-3 सेकेंड तक, और अच्छा है कि स्मेल आ जाए तब तक आपको फ्राई करना है। फिर मैंने यूज़ की है ड्राई मसाला। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 3 तेज़पत्ता, सूखा मिर्चा और जीरा। तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दी सारा मसाला, ड्राई मसाला। उसके बाद मैं डाल दी आपको सब्जी, कटी हुई सब्जी, ठीक है। उसके बाद करना है सब्जी को अच्छे से फ्राई। उसके बाद मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और ये खिचड़ी बहुत झटपट बन जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करना आपको अदरक और जीरा और धनिया, ठीक है। आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे यूज करूँगी गोटा, मतलब जीरा गोटा धनिया गोटा, उसको पेस्ट बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने जीरा धनिया और अदरक का पेस्ट डाल दिया। आप चाहे तो पाउडर भी यूज कर सकते हो, मुझे पाउडर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्राई करूँगी इसको। उसका दाल चावल डाल दी बस। अब झटपट वाली खिचड़ी बनकर तैयार हो, खाने में भी अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ सर्व की खिचड़ी पापड़ अचार के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।